बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम आ पहुंचे। मैंने हैप्पी रिटर्न कर दे। मोहन, हम तुम्हारे मन को भी जानते हैं, राधा के मन को भी जानते हैं, और शायद तुम दोनों ने हमारे मन को भी जान लिया होगा। जी बैठो बैठो। मोहन, आज राधा का जन्मदिन है और हम इस खुशी में एक और खुशी जोड़ देना चाहते हैं, वो है राधा के साथ तुम्हारी सगाई। ये कैसे हो सकता है राय साहब? क्यों नहीं हो सकता बेटे, हमने यही फैसला किया है। आप जल्दबाजी में ये फैसला कर रहे हैं राय साहब, ये सोचना हमारा काम है। मोहन, अपनी बेटी राधा का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप कर हम निश्चिंत हो जाएंगे। राधा के लिए हमें तुम जैसा लड़का ही चाहिए था। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि आज राधा और हम फूले अंग नहीं समा रहे। ऐसा मैं गरीब, हम जानते थे तुम यही कहोगे। अपने नाम बैंक में जमा करा। वैसे तो सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, लेकिन मेरी बात तो सुन रहे साहब। बातें बाद में होती रहेंगी। अगर अपने परिवार की भलाई चाहता है, सुधा की शादी करना चाहता है, बिंदु, राजू और बिरजू को किसी लायक बनाना चाहता है, तो खुद को बेच दे 2 लाख रुपए। लेकिन शोभा का क्या होगा? वो मेरे बगैर कैसे रह सकती है? अरे कमबख्त, अब भी तो रहती है। तू चंद पैसों के लिए इधर पड़ा रहता है और शोभा उधर पड़ी रहती है। उसे भी आराम की जिंदगी बिताने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मैं शोभा के बिना कैसे रहूंगा? राधा भी कैसे रहेगी तेरे बिना? वो दिल की मरीज है, सारी जिंदगी कमाएगा फिर भी नहीं कमा सकता 2 लाख रुपए। दोनों घरों को बचाने के लिए यही एक उपाय है। एक को खुशी मिल जाएगी, दूसरे की चिंता मिट जाएगी। ड्राइवर से कहो ये नेहरू रोड पे शोभा जी के घर पे पहुंचा दे। अच्छा जाओ सुंदर। मुझे गोली लग गई, मुझे गोली लग गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। वो बदमाश मोहन राधा से शादी करवाए। समझ गया, घबराइए मत बॉस, यही वक्त है कि मैं राधा को लाकर आपके पहलू में बिठा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? कैसे मेरे दोस्त, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सब कुछ कैसे? कैसे? उड़ाकर, भगाकर। उड़ाकर, भगाकर? नहीं नहीं, मुझे ये काम पसंद नहीं। राय साहब क्या कहेंगे? माई डियर बॉस, एक बार शादी होनी चाहिए, राजी से या नाराजी से, के बाद तो राय साहब को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो समझ लो तो हो गई शादी। हो गई। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो सुंदर। थैंक यू। मुबारक हो बॉस। थैंक यू। इसी खुशी में हो जाए जान का दौरा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? माफ करना शोभा, मैं तुम्हें पहले से खबर ना कर सकती। कोई बात नहीं, बड़ी कृपा की तुमने आकर। गुड्डी और तुम्हारे पति नहीं है? गुड्डी स्कूल गई है और वो तो अक्सर बाहर ही रहते हैं। लेकिन राधा रानी, तुम्हारा जवाब नहीं। सालगिरह और सगाई एक ही दिन? अचानक तय कर लिया डैडी ने। मैं भी उतावली हो रही भाग्यवान को देखने के लिए। अभी दिखाती हूँ।
कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। शोभा, क्या हुआ शोभा? कुछ नहीं, जब मुझे बहुत खुशी होती है तो मेरा सर चकराने लगता है। आप पलंग पे लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रंग पे भंग हो जाएगा। ऐसे खुशी के मौके पर बीमार और डॉक्टर? नहीं नहीं, मेहमान आ रहे हैं, मेरे यहाँ ठहरने से विघ्न पड़ जाएगा, मैं घर जाती हूँ। शोभा के जीवन का सौदा करना चाहता है, इन कागज के टुकड़ों की रिश्वत देकर हमारा मुंह बंद करना चाहता है। ले जाए रुपयों से, और फेंक दे किसी कूड़े में। मां, इतने रुपए किसने दिए? प्यार का सौदा करने वाली किसी व्यापारी ने। वो इन रुपयों से मां की ममता को खरीदना चाहता है, पत्नी से उसका सुहाग छीनना चाहता है। वो समझता है कि ये रुपये पाकर हम मोहन को भूल जाएंगे। आग लगे ऐसे रुपए को। मां, जरा उन भयानक काले दिनों को याद करो माँ, जब तुम इस बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी किया करती थी। भगवान जानता है, उस ख्याल के आते ही मैं थर्रा उठता हूँ, जब ये मासूम बच्चे गरीबी और बेबसी का शिकार बने हुए थे, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते थे। ऐसे सुख से वो दुख हमारे लिए फूल है, वरदान है, हम हर वक्त इन्हें अपनाने के लिए तैयार है। तो घर में बैठ मेरी ये सूखी हड्डियां पहले से भी 100 गुना काम करेंगी, और ये बच्चे फिर मेहनत मजदूरी करेंगे। ऐसे सुखी जीवन का लालच हमें मत दिलाना। तो खुद इन बच्चों से पूछ, वो तुझे चाहते हैं या इन रुपयों को? मेरे बच्चों बताओ, तुम्हें भाई चाहिए? हमें रुपये चाहिए। माँ तुम नहीं समझती, अगर तुम मना कर दोगी तो वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी तो यहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ेगी। अगर तुझे हमारी परवाह नहीं तो शौक से जा, हम सब जाके डूब मरेंगे किसी कुएं में। माँ चलो बच्चे। डूबने से क्या मिलेगा समझा ना, मोहन इस पार रहे या उस पार रहे, आई हुई लक्ष्मी को माथे से लगाओ, स्वीकार करो, नमस्कार करो। अरे तुम चाहो तो मैं अपने रघुनंदन को तुम्हारे पास रख दूंगा। आया के लोभी, तू क्या जाने माँ के दिल को, माँ की ममता को। ले जा अपने कुलनंदन को, मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी। ना करे तो ना करो, लाइन लगी हुई है अपने घर में बेटी वालों की। हाँ पिताजी, पिताजी उस दिन तो जेब नहीं कटी, आज कट गई। कट गई? हाँ, किसी ने रुपए निकाल लिए। रुपये निकाल लिए? अरे मैं मर गया, अरे मैं लुट गया। अरे लुटने से तो हम बच गए। ये ले बिस्तरा, ये ले बेटी, देखता क्या है, दबा हो जाया। भैया वो रेल का भाड़ा तो दे रहे। रेल का भाड़ा आप तो
चंदी सर भेजा है, वो आपको गार्डन ही मिलेंगे। सगाई से पहले तन्हाई नजर आया है। हाय रे, इतनी बेताबी आई। पंडित जी, आप गठबंधन कीजिए। गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी। अरे वो राय साहब भी कितना नाड़ी है,
पिछाड़ी का चिट्ठा देखा नहीं और मोहन से बेटी भी आने को तैयार हो गया। चलो रामदास, हम भी देखेंगे कि ये सगाई कैसे है। चलिए बाजी। मां भगवान के लिए वहां ना जाओ, राय साहब बड़े आदमी है, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, आपको भी तो बदनाम हो जाएगा, बेचारे राधा का दिल टूट जाएगा, उसकी खुशियां लुट जाएगी। आए हाय, तेरी अकल मारी गई है क्या? उसकी खुशी के लिए तेरी खुशी लुट जाने दे, उसका दिल जोड़ने के लिए तेरा दिल तोड़ दे। वाह, चलो माँ। नहीं माँ, माँ मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। क्या कर रही है? दीदी मत जाओ, दीदी मैं तुम्हारे पाँव। माँ वचन दो कि सच्चाई को सुनकर तुम हिम्मत से काम लोगी। हाँ हाँ, मैं बुरी से बुरी बात को भी सुन लूंगी, सह लूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले शादीशुदा हूं। तुम ठीक हो ना दादा? धिक्कारो, जितना चाहो धिक्कारो, मैं इसी लायक, लेकिन मुझे खुशी है तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। हाँ, तुम खुश हो इसलिए कि तुमने बड़ी आसानी से मुझ पर इतना बड़ा वार कर दिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम किस मासूम दिल के साथ खेल रहे हो। हे भगवान, मेरी बीमारी मुझे लौटा दे ताकि मेरे दिल की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। ऐसा मत कहो राधा, मैं तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश में अपना जीवन लगा दूंगा। खामोश! तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मुंह ही नहीं देखना चाहती। लोग गलत जगह पर आ गए, यहाँ आपके मोहन की नहीं हमारे मोहन बाबू की सगाई हो रही। अरे हमारा भी वही मोहन है और तुम्हारा भी वही मोहन है, दोनों का मोहन एक ही है। एक मोहन से दो मोहन बनाकर बहन से भाई को छीनना चाहते हैं, माँ से बेटे को अलग करना चाहते हैं और 2,00,000 रुपए की रिश्वत देकर पत्नी से पति को जुदा करना चाहते हैं ये जालिम राय साहब। देखो जी, मुंह संभाल कर बोलो। बोलना, हमें लगता है कुछ गलत फहमी हो रही है, राधा और मोहन बाहर गए हैं, अभी आते होंगे, तब तक आप आराम से बैठिए। मुझे तो इसमें भी कोई चाल नजर आती है। ऐसा न कहो बेटी, ये साहब कह रही तो चलो मोहन के आने तक बैठेंगे। चलो देवी, भाभी आत्महत्या करने गई। आत्महत्या? प्राणनाथ, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं था। मुझे भूल जाना और राधा बहन को खुश रखना। तुम्हारी मौत में जरूर मिलेगी गुड्डी, जरूर मिलेगी। रो मत, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। चलो Thank you.
करने की दया करो कि ये बूढ़ा जिंदगी के और दुख सहने से बच जाए। नहीं राय साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने झूठ बोला, मैंने धोखा दिया, परमात्मा के लिए इस रिवॉल्वर का निशाना मुझे बनाइए, मुझे शूट कीजिए राय साहब, शायद मेरे खून से मेरा गुनाह धुल जाए। बंद करो अपना ये फरेब भरा नाटक। धोखे बाद इससे पहले कि हमारी बर्दाश्त का बांध टूट कर वहशत में बदल जाए, दूर हो जाओ हमारे सामने, दूर हो जाओ वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। गेट आउट, आई से गेट आउट। डैडी, माता हमारी बच्ची, अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाएं? इस स्वार्थी राक्षस ने हमारी इज्जत को धूल में मिला दी। नहीं नहीं डैडी, इन्हें दोष न दीजिए, ये तो भाग्य ने हमारे साथ नाटक खेला। अगर मोहन ऐसे होते तो हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सचमुच धूल में मिल जाती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ डैडी, पहले मैंने भी इन्हें गलत समझा था, इनकी इंसानियत की ऊंचाइयों को मैं बाद में पहचान सकी। जो विश्वास आपने इन पर किया था, जो आजादी मैंने इन्हें दे रखी थी, इन्होंने कोई बेजा फायदा नहीं उठाया इसका। मैंने कई बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन ये अपना हाथ हमेशा पीछे ही खींचते रहे। इंसानियत और शराफत की ऐसी मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहले इन्होंने बीमारी से मेरे जीवन की रक्षा की और आज खतरनाक गुंडों से मेरी जान बचाई। खतरनाक गुंडों से? हाँ डैडी, और भगवान ने इनके इस उपकार का थोड़ा सा बदला चुकाने का मौका मुझे भी दे दिया, इस देवी के प्राण बचाकर। शोभा, हम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे तुम जैसी सहेली मिली और तुम्हें मोहन जैसे पति। ये तो अपनी अपनी किस्मत है राधा देवी, उस बांटने वाले ने किसी को फूल दिए तो किसी को कांटे, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को चलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। बेटा मनोहर तुम कब आए? तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझसे ये उल्टा माफी मांग रहा? अरे मेरे दोस्त, तुझे मालूम नहीं तूने अपने जीने की राह ढूंढने में मेरे जीने के लिए दो दो राय पैदा कर दी। मेरे भाई को सुधा के रूप में सुंदर सी जबान दे। जीते रहो सुधा। नमस्ते। जीते रहो बेटा। और जिस राधा के लिए मैं एक नया दिल ढूंढने गया था, उस राधा के दिल को तुमने खुशी दी। मनोहर, तुम राधा के लिए नया दिल ढूंढने गए थे? जी हाँ राय साहब, शायद राधा भी नहीं जानती कि कॉलेज के जमाने से अमेरिका तक मेरी शायरी का मजमून सिर्फ आप ही नहीं है। अच्छा, तो अब मालूम हुआ कि जनाब दिल के आईने में किसकी तस्वीर गर्दन झुकाकर देखा करते थे, लेकिन अब तो गर्दन उठाकर देख सकता हूँ। अब तो जनाब का हिसाब किताब खुल गया राय साहब, इसलिए मैं अपने दोस्त के लिए राधा का क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारी जिंदगी बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। और सुनिए राय साहब, आपका बिजनेस पार्टनर होने की हैसियत से मुझे ये कहने का 50% हक हासिल है कि राधा की शादी मनोहर के साथ कर दी जाए। हमें कोई एतराज नहीं अगर राधा बेटी की भी यही खुशी हो। इसमें राधा देवी को क्या एतराज हो सकता है? हाँ राय साहब। वाह साहब वाह, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, खुद ही गवाह खुद ही मुंशी पर फैसला कर लिया। आप लोगों ने मुझे कोई लॉलीपॉप समझ रखा है कि जिस बच्चे ने रोकर जिद की उसी को दे दिया? और जनाब शायर साहब, आपको अमेरिका में तो कोई नया दिल मिला नहीं, अब अफ्रीका के जंगल में जाइए, वहां शायद किसी गुरीला खानदान में मिल जाए आपको, यहां नहीं। ए दुश्मने तमन्ना, ए दुश्मने तमन्ना, इसका जवाब दे दे, ये हां बने तो क्या हो, मरता हूं जिस नहीं पर।
रेखा क्यों घुट घुट कर मरना चाहती है, क्यों मुझे घुट घुट कर मारना चाहती है? जज्बात ही तो सब कुछ नहीं है, जिंदगी के फर्ज भी तो है। जज्बात, फर्ज, मुझे जज्बात में बहने दो, तुम अपना फर्ज निभाओ। मैंने दिलचस्पियां ढूंढ ली हैं, मुझे अपने हाल में जीने दो, अपने हाल में मरने दो। नहीं, मैं तुम्हें गलत रास्तों में भटकने के लिए छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। घर चलो। मैं नहीं चलूंगी। तुम्हें चलना होगा। नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। रेखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो रेखा, छोड़ दो रेखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। फैसले हो जात किसे पूछे ही नहीं। ओ मैं क्या भाव जी, नमस्ते 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 बुढ़ा सिंह, आओ कैसे हो? ओ बस जी, बल्ले बल्ले। काम धंधा कैसा चल रहा है? ओ भाव जी, अपना काम धंधा कैसा, जिधर इंसान चलते चलते थक जाता उधर बूढ़ा सिंह सवारी लेके पहुंच जाता है। आपको पीनी ही पड़ेगी, बहुत कड़वी है। बल्ले बल्ले, रसगुल्ले खिला देंगे जी, कड़वी की होंगी है। पियो भाजी पियो। ले मुन्नी रसगुल्ले, तो बड़ा शौक था इसको बचपन से रसगुल्ले खाने का, एक दिन नहीं लाओ तो रूट जाएगी, खाना नहीं खाएगी। जा अपने भाई के लिए चाय बना ला। पता नहीं कौन किसका भाई है, कौन किसका क्या है, कोई आ जाओ कोई चला जाओ, ये घर घर थोड़ी रह गया है, भानपति का कुंबा हो गया है। जानकी, जबान आदमी को नीचा दिखा देती है, उसे ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। नीचा तो जबान को बंद रख के ही देखना पड़ा मुझे, अब नहीं रखूंगी। वो लावारिस राजा क्या कम था जो एक कलंकनी को और ला बिठाया घर में? रिक्शे तांगे वाले चले आ रहे हैं रसगुल्ले लेने का। बस जी बात चुप करो, बहुत सुन लिया। मैंने राजा बाबू के कहने से मुन्नी को यहाँ भेजा था बाबूजी की सेवा के लिए, ये वाई तबाई सुनने के लिए नहीं। रखो अपने शुभारे को, मुन्नी के लिए बूटा की झोपड़ी बहुत। और चल मुन्नी, चल इधर। जाने दो बूटा सिंह, माँ की बातों का बुरा नहीं माना करते। बूटा सिंह ठीक कहता है राजा, सीता को इस घर में चैन नहीं मिलेगा। सीता के चैन का सवाल नहीं है बाबूजी, आपके चैन का सवाल है। सीता नहीं थी तब भी तो दशरथ महाराज जीते ही थे। माँ, सीता यही रहेगी। ठीक है भैया, जो रोटी देगा उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। आज के दिन मेरा प्रेम होता तो। प्रेम अभी तक मुझे मिला नहीं माँ, मिलते ही उसे फौरन ले आऊंगा तुम्हारे पास। कान फूट गए तेरी, लाऊंगा लाऊंगा सुनते सुनते, एक बार ला के तो दिखा दुश्मन। अकल मारी गई है तुम्हारी तो, बेटे की ममता ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जबान से काटे ही काटे छड़ते हैं। जाने दीजिए बाबूजी। माँ, अब मैं प्रेम को लेकर इस घर में कदम रखूंगा। चलो बेटा। रेखा तो बाहर गई है, ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, उसे दे दीजिए और कहिए कि रानी खुद आई थी उसे देने, अगर शादी में नहीं आई तो झगड़ा करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अरे चलो बैठिए ना, चाय पीकर जाइए। नो थैंक्स, हमें जरा जल्दी है। अरे ये धरती के लाल का फोटो यहाँ कैसे? ये तो मेरे भाई का फोटो है। अच्छा तो राजकुमार तुम्हारा भाई है? रानी तो रेखा ने मार ली बाजी। क्या मतलब? बाजी का मतलब शादी। रेखा और राजा का रोमांस भी बड़ा मशहूर हुआ भाई कॉलेज में। लकी निकली, जिसे प्यार किया उसे पाकर ही छोड़ा। चलो भाई और जगह भी जाना है। रेखा और राजा का रोमांस भी बड़ा मशहूर हुआ भाई कॉलेज में। जिसे प्यार किया उसे पाकर ही छोड़ा। Thank you.
भगा कर ले आई मेरे बेटे को। नहीं जी, वो भगा कर ले आया है मुझे। और तू चली आई? जी हाँ, उसको आपके पास वापस लाना है ना जी। अच्छा? हाँ जी, मुझे क्षमा कर दो बाबू। रो मत, रो मत, रो मत। मैं और तू दोनों उसकी डंडा डोले करके भगा के ले जाएंगे उस सुसरे नादिन जिन्ना को। अच्छा जी। नहीं, चंदे का हिसाब चाहिए। जाली नोटों का राज तो बाद में पूछूंगा, पहले उस हैवान को मेरे हवाले कर दो। अब आगे बढ़ो। अरे अरे, इन लोगों को दिन बल्ले बल्ले बेबे देखते क्या हो, पकड़ो इन्हें। जल्दी मिल लो अपने बेटे से, वक्त थोड़ा। माँ, ये मुझे तुमसे मिलाने नहीं, जेल भिजवाने के लिए लाया है। हाँ जेल, ये जालसाजों से मिला हुआ एक गुनेगार और बदकार आदमी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये मुझे फांसना चाहता है। मैं जानती थी ये जरूर दाव साधेगा। एक मेरे बेटे को अपने रास्ते से हटाने का मौका ढूंढता फिर रहा था ये। माँ, राजा ईमान को कसौटी पर लगाने का वक्त आ जाए तो हिचकना नहीं चाहिए बेटा। तुम्हारा
बाप का कलेजा है जल्लाद का, अपने ही बेटे के खिलाफ बैरी को भड़का रहे हो? कमबख्त, तेरी आंखों की शर्म कहां मर गई? जिस घर में पला उसी का सत्यानाश करके छोड़ेगा क्या? मैं मजबूर हूँ, चलो मेरे पास। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे बेटे को कोई नहीं छुड़ा कर ले जा सकता। देख क्या रहे हो, रोको रोको ना रोको, छोड़ो मुझे, अगर वो छोड़ जानता हूँ सीता, सब जानता हूँ। कहा इसलिए नहीं कि सुनकर बाबूजी का कलेजा कहीं फट कर ना निकल पड़े। साथ ये तूने क्या कर डाला? जिसने लोगों के हाथ पांव पड़कर तेरे बहन की टूटी हुई शादी छोड़ी, कंगाली में तेरी माँ बाप का पेट पाला, उसी की बहन की इज्जत लूट कर तूने उसे दीन दुनिया से उजाड़ दिया। नहीं प्रेम, नहीं, तेरे पापों का प्रायश्चित आंसुओं से नहीं हो सकता। राजा, बेटा, मैं तेरी बहन को अपनी बहू मानने को तैयार हूँ, तू मेरे बेटे को मुझसे मांग। एक गुनेगार से अपनी बहन की शादी करने के बजाय मैं उसे कुएं में धकेल देना ज्यादा पसंद करूंगा। भैया, आप लोग के दास को तो मुंह छुपाए रो रही हूँ, एक सजा याफ्ता के लिए दुनिया के सामने रोना पड़ेगा क्या मुझे? लो जी, ये रहा, पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो। मिस्टर राजकुमार, सेठ विषमत दास को जाली नोटों के सिलसिले में यहाँ लाया गया है और इनका बयान है कि ये जाली नोट आपने इन्हें दिए हैं। ये झूठ है, झूठ है। मेरे बेटे के ब्याह में 50,000 रुपए तुमने दहेज में नहीं दिए? बोलो, दिए कि नहीं दिए? दिए। तुमने मुझसे ये कहा था या नहीं कि किसी को मालूम ना हो? कहा था। अब बोलो जी, है कि नहीं बात? मेरी आबरू बचाने के लिए तुझे इतना बुरा काम करना पड़ा, मेरी जिम्मेदारियों के बोझ ने तुझे इतना नीचे झुका दिया। कसूरवार तो मैं हूं, मेरे बेटे को नहीं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। नहीं बाबूजी, ये सब झूठ है। मैंने बिशंबर दास जी को नकली नहीं असली नोट दिए थे। नोट कहां से? बोल, असली नोट कहां से आए तेरे पास? ये मैं बताऊंगी, कहां से आए, क्यों आए। शांता, तुम यहां? राजा, ये कौन है? मैं इनकी पत्नी हूं। पत्नी? लो लो बोलो जी, कैसा धोखेबाज आदमी है, बाप को खबर नहीं और बेटा शादी रचा बैठा है। नहीं नहीं, मेरे पति धोखेबाज नहीं है, उन्होंने शादी किसी को धोखा देने के लिए नहीं की, एक लालची आदमी का दहेज से पेट भरने के लिए की थी, आशा देने वाले की आबरू बचाने के लिए की थी। शांता, रोको मत, मुझे कहने दो। मुंह बंद करके अकेले बर्दाश्त कर रहे हो, आधा तो मुझे बांट लेने दो। धन दौलत पाकर भी माना हुआ कुनबा पालने के लिए नौकरी करते हो, लाख के बदले मेरे बाप से सिर्फ 60,000 रुपया लेकर तुमने अपनी मुंह बोली बहन के हाथ पीले किए, अपने अरमानों की होली करके एक अंधे की मांग में सिंदूर भर दिया। अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए किसी ने तुम्हारे त्याग का अंदाजा नहीं लगाया। ताज्जुब है, अंधे परमात्मा को पहचानते हैं और आंखों वाले आदमी को भी नहीं पहचानते। शांता, शांता, ओ बल्ले बल्ले इंस्पेक्टर साहब, आप तो 50,000 की तलाश में थे, ये देखो महाराज, बिशंबर दास के घर से नकली नोटों का खजाना निकल पड़ा हजूर। अबे
अबे अपने बाप की मौत क्यों निकाल लाया तहखाने से? मैं अंधेरे में रह गया बापू, दहेज लेना जुर्म है। ये काले धंधे करने वालों की मौत अंधेरे में कब तक मुझे छिपाती? अब बोलो हैगी कि नहीं बात? ये बात है विशमरदास जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, कर लो गिरफ्तार, मार डालो सब व्यापारियों को, फांसी पर चढ़ा दो सबको, लेकिन विशमरदास अकेला नहीं चढ़ने वाला फांसी पर। इंस्पेक्टर, मैं खुद अपना गुनाह कबूल करता हूँ, इस जालसाजी में मैं भी शामिल हूँ। वेरी वाइज सिलेंडर, 1 मिनट प्लीज। श्योर। थैंक यू राजा, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। बाबूजी, सजा काट कर ही तुमसे माफी मांगूंगा। मां, चलिए इंस्पेक्टर, कांस्टेबल इनको लेकर चलो। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राजकुमार, मैंने अक्सर आपको समझने में गलती की। इट्स ऑल राइट राजा, मेरा ख्याल था कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं जानता, पर मैंने भी तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी इंसानियत मेरे तराजू से बहुत भारी साबित हुई बेटा। बाबूजी, रेखा, माँ, माँ, शांता, क्या हुआ शांता? मुझे मेरे सास ससुर से नहीं मिलाओगे? चलो। चमकाए घूम रही थी, लो चुका दिया।